सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सतना में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। आखिर पुलिस ने कैसे और कहां से ये विस्फोटक बरामद किए हैं, देखिए संवाददाता राजेश पांडे की इस खास रिपोर्ट में। रीवा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक और लाखों की नकदी बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। उक्त कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बताया गया है कि विस्फोटक का जो जखीरा मिला है, उससे पूरे गांव का नामो निशान मिट सकता था। पुलिस अधीक्षक आबिद खान को नरोरा गांव में विस्फोटक के भंडारण की खबर मिली थी, जिसके बाद चोरहटा थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर देर रात दबिश दिलवाई तो पुलिस के हाथ विस्फोटक सामग्री का जखीरा लग गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। खनिज माफिया को विस्फोटक की सामग्री सप्लाई करने वाला सरगना सतना की कंपनी का मैनेजर है। आरोपियों ने पूछताछ में सतना में पीयूष जैन की कंपनी के मैनेजर संजय चौरसिया के द्वारा विस्फोटक प्रदान करने की जानकारी दी, जिसपे पुलिस ने कंपनी के मालिक और मैनेजर को नामजद कर दिया है। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए 4 तारीख को अपने यहाँ चुरटा थाना है, चुरटा थाना अंतर्गत इस प्रकार की सूचना थाने में प्राप्त हुई कि ग्राम नरोरा के गांव है ये चुरटा थाने में, जहाँ पे पता चला कि अवैध रूप से कुछ एक्सप्लोजिव्स का को रखा जा रहा है वहाँ पे। और इस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद, सूचना प्राप्त होने के बाद वहाँ पे टीम को भेजा गया और एक सोनू पटेल करके हैं, धीरेन्द्र पटेल उनके घर में जब पुलिस ने चेक किया तो बहुत सघन चेकिंग के बाद इन्होंने भूसे में लपेट करके सारे जो एक्सप्लोजिव्स थे उनको लपेट करके छुपा करके उसके ऊपर भूसा डाल करके इस तरह से उसको छुपा रखा था। टीम ने जब उसको निकलवाया तो उसमें करीब 8 लंबे हम लोगों को एक्सप्लोजिव्स मिले, जो उस समय तो थोड़े से हार्ड सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन वक्त के साथ फिर वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड और लिक्विड स्टेट में आ गए। बाद में उसको BDDS टीम से उसकी जांच करवाई गई कि ये किस तरह का एक्सप्लोजिव है, तो पता चला कि वो जेलेटिन है, लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली जेलेटिन आप लोग जानते हैं लो ग्रेड एक्सप्लोजिव है। और साथ में वहाँ पे बहुत सारा हमको हाईटेक जो उनके जिसको हम लोग ट्रिगर्स बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, वो भी हमें वहाँ पे मिले, तार मिले। और पूछे जाने पर इनके द्वारा कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्होंने बताया कि कोई एक मैनेजर है प्लांट का, जो कि जिनके पास ऐसा बताया जा रहा है कि अभी उनके पास लीज है कुछ ब्लास्टिंग साइट्स की, कोई कंपनी है जो लीज पे उनको मिली हुई है पत्थर तोड़ने की, और उनके कोई मैनेजर हैं जो जिन्होंने ये उपलब्ध कराया है। पुलिस ने जब अच्छे से पूछताछ की तो पता चला कि गांव में और लोगों के पास भी इस तरह से एक्सप्लोजिव्स होने